जब से खबर आई है कि सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की डेब्यू मूवी में काजल एक अहम किरदार निभाने वाली है, तभी से चर्चे ये भी होने लगे हैं कि कहीं काजल इब्राहिम की मां का रोल तो नहीं कर रही। चलिए जानते हैं पूरी बात। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इब्राहिम अली खान की फिल्म में काजल लीड रोल में नजर आएंगी। बता दें कि फिल्म के टाइटल का अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिल्म की कहानी कश्मीर आतंकवाद पर आधारित होगी। फिल्म में काजल का काफी अहम किरदार होने वाला है। बता दें कि इससे पहले इब्राहिम अली खान करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं। वहीं अब इब्राहिम जल करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से अपने एक्टिंग डेब्यू के लिए तैयार हैं। करण जौहर की इस फिल्म में काजल का रोल इमोशनल स्ट्रांग है और इब्राहिम अली खान के साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम शेयर करेंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की बाकी काशी मुंबई में चल रही है। काजल सैफ अली खान के साथ भी कई फिल्में कर चुकी है, ऐसे में सैफ अली खान के बेटे संग सिल्वर स्क्रीन पर उनको देखना काफी दिलचस्प होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।